इकबाल है नाजरीन, साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क भर से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड की सियासत में मची जबरदस्त हलचल, इलेक्शन कमीशन के फैसले से वजीर आला हेमंत सोरेन के पैरों तले किसकी जमीन, कमीशन ने सोरेन की असेंबली रुकनियत को करार दिया नाहल, रुकनियत मंसूख करने के लिए गवर्नर को भेजी गई सिफारिश जल्द ही जारी किए जा सकते हैं, बर्खास्तगी का अहकाम, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके कोयला कानकनी में घोटाले का लगाया गया इल्जाम, रुकनियत मंसूख होने पर हेमंत सोरेन को वजीर आला के ओहदे से देना होगा इस्तीफा, कुर्सी पर बने रहने के लिए दोबारा लेना होगा हलफ, 6 महीनों में असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करनी होगी लाजमी। झारखंड पर मंडला रहे सियासी बहरान के बीच वजीर आला हेमंत सोरेन को सता रहा है अराकीन असेंबली के खरीदो फरोख्त का डर, अपनी रिहाइशगाह पर एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद करने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए 3 बसों के जरिए सभी अराकीन असेंबली को साथ लेकर ऊटी की तरफ हुए रवाना, JMM कांग्रेस और RJD के भी MLA बसों में नजर आए सवार, गैर बीजेपी रियासतों में महफूज मकाम की तरफ सभी को मुंतकिल करने का लगाया जा रहा है गुमान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नोएडा के सेक्टर 93A में तामीर सुपर टेक लिमिटेड के ट्विन टावर को कल 28 अगस्त इतवार को मिसमार करने की तकरीबन मुकम्मल की गई है तैयारियां, धमाका खेज मवाद के जरिए महज 7 सेकंडों में ही ढा दी जाएगी 40 मंजिलों पर मुश्तमिल दोनों इमारतें, एहतियातन पास पड़ोस के रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से किया गया खाली, आला अफसरान मुसलसल तैयारियों का ले रहे हैं जायजा, इमारत तामीर करने में कानून और मंजूर शुदा मनसूबे के खिलाफ फर्जी करने पर अदालत ने टावर को मुनहदिम करने का सुनाया है फैसला। तेलंगाना के बीजेपी रुकन असेंबली और गुस्ताख रसूल टी राजा सिंह के खिलाफ नहीं थम रही है मुसलमानों की नाराजगी, जगह जगह किए जा रहे एहतियाती मुजाहरों के बाद जमानत पर रिहा राजा सिंह को गिरफ्तार करके दोबारा भेजा गया जेल, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो करने पर टी राजा ने एक वीडियो जारी करके पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात को किया था मजरूह, वायरल वीडियो के बाद रियासत भर में बिगड़े थे हालात। कांग्रेस लीडर आयशा फरीन ने वीडियो जारी करके टी राजा को उसी की जबान में किया पलटवार, कहा पार्ट 2 जारी करने की जुरात की तो हलक से बाहर खींच देंगे जुबान, जाहिल करार देकर बोली आयशा कि किसी भी मजहब में गाली गलौज की नहीं दी जाती है सीख, नफरती बयानबाजियों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश का लगाया इल्जाम, पिछले 8 सालों में दर्जनों FIR के बावजूद राजा सिंह के खिलाफ किसी तरह की भी कार्रवाई न करने पर रियासत की TRS हुकूमत पर भी उठाया सवाल, मरकज में जेर इख्तदार BJP से भी राजा सिंह को पार्टी से मुअत्तल करने का किया मुतालबा। मैं आयशा फरीन ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे चीर दूंगी तेरे घर के समेत, तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी, अगर Part 2 निकालने का सोचना नहीं जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद तेरे घर वाले खुद नहीं पहचानेंगे। कांग्रेस को लगा हाई वोल्टेज झटका, कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दिया पार्टी का साथ, अपने सभी ओहदों समेत पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी दिया इस्तीफा, 5 सफात पर मुश्तमिल इस्तीफानामा सोनिया गांधी को किया पेश, कांग्रेस के जवाल के लिए राहुल गांधी की क्यादत को ठहराया जिम्मेदार, पार्टी के कई फैसलों और पॉलिसियों पर भी की सख्त तनकीद, जल्द ही जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी का आगाज कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद। चीफ जस्टिस NV रमन्ना के रिटायरमेंट के बाद मुल्क के 49वें चीफ जस्टिस की अमल में आई तकरूरी, जस्टिस UU ललित को बतौर चीफ जस्टिस सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हलफ, एक दिन कब्र जस्टिस NV रमन्ना हुए थे रिटायर्ड, विदाई तकरीर में खिताब करते हुए जस्टिस रमन्ना हुए जज्बाती, कहा मैंने अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन काम करने की है कोशिश, तेरे इल्तिवा मुकदमात को सबसे बड़ा चैलेंज करार देकर हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर दिया जोर। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment
that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the constitution and the laws. And that I will uphold the constitution and the laws. हरियाणा की बीजेपी लीडर और कलाकार सोनाली फोगाट की गोवा में मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हुआ बड़ा खुलासा। किसी मशरूब में खास किस्म का ड्रग्स घोलकर सोनाली का किया गया था कत्ल, जिस्म पर भी जोर जबरदस्ती के पाए गए निशानात। मौत से पहले पीए के सारे क्लब से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती सोनाली की कैमरे में कैद हुई तस्वीर। 2 घंटों तक क्लब के वॉशरूम में भी थी बंद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बोली गोवा पुलिस, खुद सोनाली के पीए सुखेंदर ने ही साथी सुधीर के साथ मिलकर अंजाम दी थी वारदात। ड्रग देने के बाद ही सोनाली फोगाट की बिगड़ी थी सेहत। मामले में अब तक पीए और क्लब मालिक समेत ड्रग्स पेडलर के साथ ही कुल 4 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने दिल के दौरे से मौत वाकई होने का किया था दावा। शराब पॉलिसी पर आप सरकार की घेराबंदी और ऑपरेशन कमल के इल्जाम के बीच दिल्ली विधानसभा का मुनाकिद हुआ खुसूसी इजलास। बोले वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार को गिराने और तोड़ने की रची जा रही साजिश, पसे पर्दा मुल्क मुखालिफ ताकतों का हाथ होने का भी जाहिर किया खदशा। पीर के दिन मुनाकिद होने वाले विधानसभा के खुसूसी इजलास में तहरीक एतमाद चलाने का भी केजरीवाल सरकार का है मंसूबा। नहीं रहे जमात इस्लामी हिंद के साबिक अमीर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाइन सदर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, दिल्ली के शिफा हॉस्पिटल में 87 बरस की उम्र में लिया आखिरी सांस। दावा व तहरीकी सरगर्मियों के साथ ही समाजी और फलाही कामों में भी रहा करते थे पेश। बड़े सगीर के एक मुस्तनद मुसन्निफ व आलिम दीन माने जाते थे मौलाना। आपकी रहलत को इल्मी और फिक्री दुनिया के लिए एक बड़े खसारे से किया जा रहा है ताबीर। तमिलनाडु के जिला शुमारी अरकार से है मौलाना का ताल्लुक। बिहार के पटना और किशनगंज में सरकारी मुलाजमीन के ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने की छापेमार कार्रवाई। रूरल वर्क डिपार्टमेंट के इंजीनियर संजय कुमार के ठिकानों से करीब 1 करोड़ रुपए कैश समेत गहने और अहम दस्तावेजात बरामद करके किया गया जब्त। रिश्वतखोरी के मामलात में मुलविस होने का लगाया जा रहा है इल्जाम। यूपी के हरदोई में पेश आया आलमनाक सड़क हादसा। पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरे किसानों से भरी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली। 25 से 30 किसान ट्रैक्टर पे थे सवार। 6 किसानों को किनारे तक पहुंचने में मिली कामयाबी, बाकी अब भी बताया जा रहे लापता। मकामी इंतजामिया पुलिस और माहिर तैराकों की मदद से चला रही है राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन। बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह मैदान मामले में हाईकोर्ट ने एक दिन में ही अपने फैसले से लिया यूटर्न। ईदगाह मैदान में हिंदुओं का गणेश त्यौहार मनाने की दी इजाजत। रियासती हुकूमत ने वही जज वाली बेंच की जानिब से दिए गए सूरत हाल जू की तू बरकरार रखने के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की थी अर्जी। डिविजनल बेंच ने समाअत के बाद फैसले में तरमीम करके हुकूमत की गुजारिश पर महदूद दिनों के लिए गणेश उत्सव मनाने की फराहम की इजाजत। फैसले से मुसलमानों में देखी जा रही है नाराजगी।